आज हम लोग जाने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध जगत मंदिर को घूमने। यहाँ पे कैसे पहुँचे, यहाँ जाने का किराया कितना है और इसको बनाने में किन किन राजाओं का योगदान रहा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उदयपुर में आज हमारा तीसरा दिन है और सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर सिटी पैलेस। लोगों ने 50 रुपए का एंट्री टिकट ले लिया और सिर्फ अंदर जाने का फी है 50 रुपीज। और आज मैंग ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, ये भी सुबह सुबह आ गए हैं आज उदयपुर। गणेश पोल गेट के बगल में से एक छोटा सा गेट और बना हुआ है, ना लगा हुआ है नेशनल फ्लैग, इन्फॉर्मेशन सेंटर और यहाँ पे लगा हुआ है बोट राइड का बोर्ड। 3 एडल्ट का टिकट हमने लिया यहाँ पे 1800 रुपए का, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। टिकट है पर एडल्ट 600 रुपीस और यहाँ से बोट हमें ले जाके सेंटर में ड्रॉप करेगा और वहाँ से हर आधे घंटे में रिटर्न बोट है। पार्किंग एरिया और सामने लिखा हुआ है बोट हाउस जहाँ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से मिलेगी बोट हमें। आधा टिकट फाड़ लिया जाएगा और उसके बाद फिर आप जाओगे ऐसे बोट में। हमारे सामने बोट खड़ी है। मैं कैसा लग रहा है? जग मंदिर पिचोला झील के एक द्वीप पर बना एक महल है, इसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। यह महल भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में स्थित। महल का निर्माण 1551 में महाराणा अमर सिंह द्वारा शुरू किया गया था, जिसे महाराणा करण सिंह 1620 से 1628 के बीच में जारी रखा और अंत में महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 द्वारा पूरा किया गया। अंतिम नाम महाराणा जगत सिंह के सम्मान में इसका नाम जगत मंदिर रखा गया। Shelly from the Taiwan. Yeah, he's also visiting Udaipur. And one more. Hello, I'm from Taiwan also. साइड में यहाँ पे झील रेस्टोरेंट्स काफी सारे बने हुए हैं, ब्रिज बना हुआ है और उसके पीछे भी एक ब्रिज बना हुआ है, उस पर घूम सकते हैं। पूरा ही हमें एक राउंड करा रही है फेरी। ये बोट टर्न कर रही है अभी। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। झीलों का शहर बोलते हैं इसको। साइड में टेंपल है यहाँ पे, इसकी सीढ़ियाँ इधर घाट की तरफ खुल रही हैं। यहाँ पे साइड में रेस्टोरेंट बना हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आगे। ये पीछे पूरा उदयपुर के चारों तरफ के बने हुए महल दिख रहे हैं। दूर से बिल्डिंग दिख रही थी इसके पास में। सामने हमारे दिख रहा है जग मंदिर पैलेस। तो चलते हैं जग मंदिर के अंदर। और ये आपने काफी सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा इसको। आगे मुझे जग मंदिर का गार्डन है, जग मंदिर आइसलैंड पैलेस, अब पैलेस ऑन द आइसलैंड लेक पिचोला। आए तो जरूर घूमे, 600 रुपए की बोट राइड ये वर्थ है। तो चल रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग। चाय भी पी सकते हैं, हाई टी 5:30 से 6 बजे के पास श्रीनिवास पैलेस लॉन्ग में। और इस छत के ऊपर पूरी नक्काशी पूरे कपड़े से कवर किया गया है। अंदर जाने का छोटा सा रास्ता, कांच रखा हुआ है जिसमें छत पर की पेंटिंग दिख रही है, छत पर जो पेंटिंग बनी हुई है। पालकी रखी हुई है, पुराने जमाने में लेडीज को उसमें लेके जाते थे ये बोट। कॉफी भी आ गई हमारी, खाने को है क्या? कुर्सी बहुत ही भारी है भाई, खिल नहीं रही है। चीयर्स गाइस, कॉफी के लिए चीयर्स कर लेते हैं। चीयर्स भाई। देखिए आज हम जो है सोलन से जो है मैं चलता हुआ कल जो है चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली होते हुए आज मैं यहाँ पहुँचा।
आप समझ सकते हैं पार्टी पे पार्टी होती जा रही है, लोग पूछ रहे हैं कि वी लॉगिंग का पैसा मिलता है क्या तुम्हें। भाई वी लॉगिंग हम लोग शौक के लिए करते हैं, यूट्यूब से आज तक अभी तक ज़्यादा कुछ आया नहीं, मतलब उसे मेमोरी कार्ड भी नहीं आ सकता जिसमें लगा हुआ है 512 GB का। अरे हम रईस लोग हैं, मेन बात ये है बताना जरूरी है। अपने पैसे से घूमते हैं, किसी के पैसे से नहीं। और घूमना बहुत ही महंगा शौक है और ये बहुत ही महंगी जगह, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। काले संगमरमर का पत्थर यहाँ पे हर जगह एंट्रेंस में लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे लॉन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, यहाँ से व्यू तो और जबरदस्त है। बने हुए हैं दोनों तरफ से संगमरमर के, भार्गवी जाना नहीं चाह रही हैं बोट के अंदर। सो जग मंदिर से हमारी बोट चल रही है वापस के लिए, ये पॉइंट है वापस जाने का जहाँ से मैं बोट चली। और ये कितना खूबसूरत सा बना हुआ हाथी की सूंड उसके ऊपर बैठने के लिए। आ गए बोट से वापस रामेश्वर घाट हम लोग, और ये मैंग भी आ गए बाहर ये आ रही हैं। जब हम लोग गए थे तब ये पार्किंग खाली थी और अभी ये पार्किंग हो चुकी है फुल, लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं।